So today we will learn about chapter number 2, that is addition and subtraction of two digit numbers. इसके हमने part 1 में पढ़ा था, right? क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि two digit numbers में कैसे addition होता है, और पहला rule हमने सीखा था properties of addition. उसमें क्या सीखा था? Yes, अगर हम numbers का ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होता है. ओके, सेकंड पार्ट में हमने टू डिजिट नंबर्स के एडिशन सीखे, राइट. थर्ड पार्ट में हमने सीखे थ्री नंबर्स के एडिशन, राइट. अब आज हम सीखेंगे स्टोरी सम, यानी पहले मैं आपको पूरा एडिशन क्लियर करूंगी, उसके बाद हम सबट्रैक्शन क्लियर करेंगे. ओके, सो एडिशन के तीन टॉपिक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी सम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा होता होगा कि मैम व्हाट इज स्टोरी सम. स्टोरी सुन के आपको लगेगा कि यस मैम कुछ आपको स्टोरी बताएंगे, राइट. अब आपको मैम एक छोटी सी दो लाइन की स्टोरी बताएंगी, उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है कि ये जो स्टोरी मैम ने हमें बताई उसमें हमें एडिशन करना है कि सबट्रैक्शन करना है. ओके, सो सबट्रैक्शन तो फिलहाल हम सीखे नहीं है, तो अभी जो भी स्टोरीज आएंगी वो सारी एडिशन की होगी, राइट. सो फर्स्ट सम इज देयर आर 35 बॉयज एंड 24 गर्ल्स इन क्लास second F. There are 35 boys and 24 girls in class 2F. So how many children are there in class? As you all know, जैसे आप क्लास में आते थे, राइट, तो आपके क्लास में बॉयज भी पढ़ते थे और गर्ल्स भी होती थी, है ना. तो उसी तरह आपको एग्जाम दिया है कि 2F के क्लास में हाउ मेनी बॉयज आर देयर. तो पहले आपको नंबर के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देनी है, सो आपको पता चलेगा आपको किस नंबर को ऐड करना है या तो सबट्रैक्ट करना है. ओके, सो देयर आर 35 बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स, सो 24. कौन से क्लास में है? 2F में. Now what's the question? Actually question यहाँ से start होता है. So how many यानी कि कितने children यानी बच्चे. पहले girls और boys अलग थे, अगर दोनों को mix कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? बच्चे. तो children आ गए in a class. तो class में कितने बच्चे हुए? So first हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे boys. कितने boys हैं? Yes, 35. ओके, नेक्स्ट गर्ल्स. गर्ल्स कितनी गर्ल्स है यहाँ पे? 24. हमें टोटल पूछा है कितने बच्चे होंगे क्लास में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एडिशन करेंगे. क्या करेंगे? एडिशन. तो एडिशन एज वी लर्न पहले वंस वंस का होगा, देन टेंस टेंस का होगा, राइट. तो 5 प्लस 4, यस 5 इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर. सो स्टार्ट काउंटिंग 6 7 8 9. सो राइट 9 हियर एंड 3 प्लस 2, 3 इन योर माइंड एंड 2 ऑन योर फिंगर्स, 4 5. सो राइट 5 हियर, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. तो अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स टोटल मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितनी स्ट्रेंथ मिलती है हमें? 59. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टोटल चिल्ड्रन कितने हुए? 59. इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर, देयर आर, यह आंसर आया 59. There are 59 children in class
to add. Okay, here we completed first example of story sums. So let's see one another. Next, number two. I hope आप लोग मेरे साथ ये कंप्यूटर अपने नोटबुक में जरूर करेंगे. Okay, so there are 15 apples in one basket. एक basket में कितने apples हैं? Yes, how many apples are there? 15. यहाँ पे मैंने लिखा है 15 apples, right? Okay, and 20 mangoes. In another basket. दूसरी basket में कितने mangoes हैं? Yes, 20. How many mangoes are there? 20 mangoes. Read again. There are 15 apples in one basket and 20 mangoes in another basket. So how many fruits are there? So write how many fruits are there? How many fruits are there? So what we will do here? जब भी आपको ऐसा आए कि if you are having this much things, आपके पास इतनी चीजें हैं और हमने दूसरी चीजें ऐड की, तो total अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है? Yes, addition करना है. So हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? P stand for tens and O stand for ones. So पहले हम लिखेंगे 15 apples. तो पहले हम लिखेंगे apples. How many apples are there? तो apples की counting सामने लिखनी है. So 1, 5, 15. And how many mangoes are there? तो यहाँ पे लिखेंगे हम mangoes. Mangoes कितने हैं? Yes, 2, 0, 20. अब इनका हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, दैट मींस एडिशन करेंगे. सो 5 + 0, यस, अगर हम कोई भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यस, सेम नंबर. सो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? नंबर 5. सो 1 + 2, सो ये तो इजी है. 2 नंबर हियर एंड 1 आल्सो हियर. कितने हुए? 3. सो राइट 3, 5, 35. तो ये क्या हुए? टोटल फ्रूट्स. क्या हुए ये? टोटल फ्रूट्स. टोटल फ्रूट्स कितने हुए? 35. तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे आंसर करके, देयर आर 35 फ्रूट्स इन अ बास्केट. ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, सो आपने एग्जांपल नंबर 2 मेरे साथ लिख लिया. वेरी गुड. सो नाउ स्टार्ट राइट नंबर 3. आपको यहाँ पे ऐसे मार्जिन लाइन होगी ना, उसके इस तरफ लिखना है, राइट? अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल. देयर आर 30 चॉक्स. यस, चॉक जिससे मैम अभी लिख रहे हैं. देयर आर 30 चॉक्स इन वन बॉक्स. एक बॉक्स में कितने चॉक है? 30 एंड 54 चॉक्स इन अनदर बॉक्स. दूसरे बॉक्स में कितने चॉक है? Yes, 54. How many chalks are in another box? Yes, 54. So total कितने chalks होंगे हमारे पास? So count. How many chalks are there? Question mark. So again we will read the question. There are 30 chalks in one box and
54 chalks in another box. दूसरे box में 54. Then how many chalks are there? Total कितने chalks होंगे? So let's start counting. So let's start. In one box, first box जो था उसमें कितने chalks थे? 30. So what you will write here? 30. मैंने क्या नहीं लिखा? TNO, tens and ones. आपको compulsory लिखना है, right? Tens and ones. Okay, one box में 30 chalks and in another box. तो यहाँ पे हम लिखेंगे another box. Another box यानी कि दूसरे box में कितने chalks हैं? 54. So write 54. Now what we will do? Plus. हम क्या करेंगे? Plus. Okay, 0 plus 4 is equal to? Yes, same number. Okay, 3 plus 5. 3 plus 5? Yes, 5 number is in your mind and 3 number on your fingers. So count it. 6, 7, 8. So write number 8 here. So, आपको देख के पता चल रहा होगा कि टोटल कितने चॉक्स होंगे बॉक्स में? Yes, 84. So, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Total चॉक्स. क्या लिखेंगे? Total चॉक्स. कितने हुए टोटल चॉक? 84. So, अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे. Compulsory है. Because, हमें तो ही पता चलेगा कि आपने टोटल फाइंड आउट किया है. और किया है तो अगर सही है या नहीं. सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? How many chalks are there? 84. सो यहाँ पे हम लिखेंगे there are. वो कैसे फॉर्म करोगे? यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि how many chalks are there? तो यहाँ से उठाना है आपको क्वेश्चन को there are. How many की जगह पे आपको जो आंसर आया वो लिखना है और फिर क्या लिखोगे? Chalks. तो there are. How many chalks? 84. तो लिखोगे there are 84 chalks. I hope you understood this concept. आपको ये वाला समझ में आया? आगे हम थोड़े और example सीखेंगे. ये तो हमने सीखे आज कौन से? जिसमें 2 digit थी. ये 1 number और ये 2nd number. यानी 2 numbers वाले sum का हमने सीखा आज. Right? अब हम सीखेंगे आपको क्या होगा उसमें? जिसमें आपको 3 नंबर्स मेंशन किए होंगे, लाइक जैसे कि एक बॉक्स में 30 चॉक्स, दूसरे बॉक्स में 54 चॉक्स एंड तीसरे बॉक्स में 20 चॉक. तो आपको क्या करना पड़ेगा जो हमने पार्ट 2 में सीखा था, राइट? जैसे 3 नंबर्स का हमने लिखा था वैसे ही वो एडिशन आपको स्टोरी सम में भी करने हैं. सो आज के लिए पहले आपके 2 डिजिट नंबर यानी कि जो 2 नंबर्स वाला है वो कंप्लीट करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी how to add 3 numbers in story sum. Till that, take care, stay at home, stay safe. Bye-bye.